हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनारायण और आप देख रहे हैं क्लास 2+। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के सेशन कल की अखबार से। मैं आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के सेशन में। देखिए तो आज के सेशन में पहला चीज़ क्या है। आज के सेशन में आयुष्मान भारत दिवस, एवरी ईयर 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। ये सिंस 2018 2018 से ये एवरी ईयर आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, 30 अप्रैल को बनाया जाता है। क्यों आयुष्मान भारत को आयुष्मान भारत क्यों कहते हैं? देखिए आयुष्मान भारत का पर्पज क्या है। यह इसका पर्पज ये है कि देखिए जब भी हम लोग किसी अपने बड़े बुजुर्ग से जब आशीर्वाद लेते हैं तो बोलते हैं आयुष्मान भव, जिसका मीनिंग होता है ब्लेसिंग टू स्टे हेल्दी एंड लॉन्गेविटी, मतलब स्वस्थ रहें, लंबे समय तक जिए। तो इसीलिए इस आयुष्मान भारत का निर्माण किया गया। आयुष्मान भारत का भी पर्पज यही है कि कंट्री वाइड जो पूरे देश में है, अपने पूरे इंडिया में कंट्री वाइड क्या करना है, हेल्थ सिस्टम को सही करना है जो, ठीक है, और ताकि लोग लंबे समय तक जी सके। कई ऐसी बीमारियां होती है जिनका इलाज नहीं होता है, और इलाज नहीं होता है तो क्या होता है कि लोगों को कई सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, कई सारी फैमिली को कई और अदर भी नुकसान होते हैं। तो इसीलिए क्या ये आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया। ये इसी दिन 30 अप्रैल को 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंडर दिस एम्बिशियस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी फैमिली ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लो इनकम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री गेट फ्री हेल्थ केयर अप टू 5 लाख एवरी ईयर। द वर्ल्ड ऑल्सो बिलीव दैट दिस इज द इंडिया हेल्थ प्लान। भारत मतलब पूरे विश्व में भी इसका बहुत नाम है कि हाँ भाई, और यहाँ से लगभग 5 लाख रुपये तक एक फैमिली में 5 लाख रुपए तक की बीमा आपके बोल स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाती है, ठीक है। तो आइए आज इस बीमा योजना के बारे में जानेंगे और भी इसके बारे में कई सारे डीप रिसर्च भी जानेंगे क्या है, ठीक है। तो देखिए आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत जो है एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि लॉन्च किया गया था, ठीक है, और वॉज लॉन्च एज रिकमेंडेड बाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसने रिकमेंड किया था टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज द इनिशिएटिव हैज बीन डिजाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इट्स अंडरलाइन कमिटमेंट विच इज टू लीव नो वन बिहाइंड। तो इसका गोल क्या था कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। मतलब कई सारे जगहों पे हम लोग जैसे देखते हैं रूरल एरिया में आज भी हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या कई बार लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया था, जिसमें 5 लाख रुपये तक की आपको राशि हेल्थ बीमा योजना दी जाती है किसी एक परिवार में, ठीक है। अब देखिए क्या है, आयुष्मान भारत इज एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम सेक्टोरियल एंड सेगमेंट अप्रोच ऑफ हेल्थ सर्विस डिलीवरी टू कॉम्प्रिहेंसिव नीड्स बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। दिस स्कीम एम्स टू अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशन टू होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम, कवरिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल। देखिए तीनों लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों लेवल पे ये नाइ एक तो प्रिवेंशन का काम करता है, इसके अलावा प्रमोशन और एम्बुलेंस से रिलेटेड भी जो खर्च होंगे उसको भी बियर करता है। आयुष्मान भारत अडॉप्ट अ कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच कम्प्राइजिंग ऑफ टू इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स विच आर। देखिए ये इसके दो कंपोनेंट्स है, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है। ये दो योजनाएं हैं जिसके तहत ये आयुष्मान भारत लागू होता है, ठीक है। तो आते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। अब देखिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स क्या है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर इसको फरवरी 2018 में बनाया गया था, जिसमें लगभग 1,50,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए थे, ठीक है। अनाउंस टू क्रिएशन ऑफ हेल्थ वेलनेस सेंटर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये कहा गया कि जो 1,50,000 सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे, किसके द्वारा, जो जो पुराने सब सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसको रिनोवेट करके, ठीक है। और इससे क्या होगा, अभी इस हेल्थ सेंटर का काम क्या होगा, हेल्थ सेंटर का काम होगा कि लोगों तक पहुंचना, ठीक है, लोगों के घरों तक पहुंचना। दे कवर बोथ मैटरनल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंक्लूडिंग फ्री
इसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। इसके अलावा ये क्या कर देगा, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इन और जो भी बच्चों से रिलेटेड बीमारियां होती है, इवन मैटरनल बीमारियां जो होती है, माताओं बहनों को जो बीमारियां होती है, उन सभी को भी ये देख रेख इस बीमारी के तहत किया जाए इसे के तहत किया जाएगा। और ये जो होगा इसमें डायग्नोस्टिक, इसका इलाज जो होगा पूरा फ्री होगा। जो ड्रग्स दिए जाएंगे, जो दवाइयाँ देंगे, मेडिसिन दिए जाएंगे, वो भी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर इन वेग टू डिलीवर एंड एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विसेज टू एड्रेस द प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इन द एरिया इन देयर एरिया एक्सपांडिंग एक्सेस यूनिवर्सलिटी एंड इक्विटी क्लोज टू द कम्युनिटी। The emphasis of the health promotion and prevention is designed to bring focus on keeping people healthy by engaging and empowering individuals and communities to choose healthy behaviors to make changes, the reduce of the risk development chronic disease and morbidities. तो देखिए ये जो health awareness system है, health and wellness centers जो बनाए गए थे, इसका काम करता एक्सपांडेड रेंज ऑफ सर्विसेज टू एड्रेस द प्राइमरी हेल्थ केयर एंड नीड्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन इन देयर एरिया। जो भी इनका एरिया था उस एरिया में क्या करना था कि इनको हेल्थ केयर से जो भी प्राइमरी जो सुविधाएं होती है उसको प्रोवाइड करना था पहले, उसके बाद धीरे धीरे क्या करना था कि जो बाकी अदर सुविधाएं उनको यहाँ पे देना था। और ओके और इसमें ओके तो आगे आते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJJ योजना क्या है। देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को ही चेंज करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया था। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये चालू किया गया था 2008 में, इसी को चेंज करके नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। ओके और देखिए ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो राशि दी जाती है, जो प्रीमियम इसका भरा जाता है, उसमें दोनों का कॉस्टिंग होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉस्ट होता है। सेंट्रल और स्टेट का जो रेशियो होता है, सेंट्रल और स्टेट का जो रेशियो होता है वो होता है 60:40 का, 60:40 का, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें बीमा भरेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ हिल एरिया हैं, हिल एरिया है वहाँ पे 90:10 का रेशियो है। हिल एरिया मतलब समझ रहे हैं, जैसे ही आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सभी हिल एरिया हैं, तो इन सभी एरिया में हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे 90:10 का रेशियो है। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे पूरा सेंट्रल का 100% फंडिंग रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होते हैं वहाँ पे फंडिंग PMJ के तहत कितना गवर्नमेंट फंडिंग करती है, इसकी इस योजना में कितना फंडिंग करती है, तो 100% बीमा के लिए फंडिंग करती है। लेकिन जब स्टेट की गवर्नमेंट बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल और गवर्नमेंट का रेशियो क्या होता है, 60:40, यानी 100 रुपये दे देने हैं तो 100 रुपये में 60 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 रुपया आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसी तरह से जब आप हिल एरिया में जाते हैं, हिल एरिया जैसे आपको जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, इन तीनों जगह पे 90:10 का रेशियो है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। तो सेकंड कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इट इज पॉपुलरली नोन दिस स्कीम वॉज लॉन्च ऑन 23 सितंबर 2018 इन रांची झारखंड भाई द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, तो देखिए ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 23 सितंबर को 2018 रांची झारखंड, जो कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है, अब PMJY जो है, PMJ जो है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस स्कीम है, फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट द्वारा फुली फाइनेंस किया जाता है, 60:40 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको कहाँ कहाँ होता है, स्टेट और सेंट्रल और स्टेट का रेशियो 60:40 होगा, यदि हिल स्टेशन है तो 90:10 का रेशियो होगा, और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे 100% होगा। ओके, अब देखिए ये क्या करता है, ये 5 लाख रुपये तक की फैमिली 5 लाख रुपये तक की कवरेज देता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट एट इम्पैनल हॉस्पिटल इन इंडिया। ये इसका इलाज आप दोनों जगह करा सकते हैं, पब्लिक और मतलब सरकारी और
आपके गैर सरकारी संस्थाओं में भी इसका इलाज हो सकता है। ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल्ड फैमिलीज अप्रॉक्सिमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरी ही आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। इसके लिए जो टोटल जो हैं जो 10.74 करोड़ पुअर हैं और 50 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली वनरेबल क्लास जो फैमिलीज हैं उनको इससे बेनिफिट हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये कैश प्रोवाइडेड कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, ये कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस है। इसमें कोई कैश अमाउंट नहीं हॉस्पिटल को दिया जाता है, इसमें जो भी होता है वो कैशलेस होता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इनविजन इज टू हेल्प मिटिगेट कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट विच पुशेस नियरली 6 करोड़ इंडियन इनटू पॉवर्टी ईच ईयर। तो ये क्या करता है, जो लगभग 6 करोड़ भारतीय हैं जो हर साल लगभग पॉवर्टी के कारण किसी न किसी वजह उनको पॉवर्टी झेलना पड़ता है, तो उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ये काम शुरू किया गया है। कई बार लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए सब चीज़ अपना बेच देते हैं, ठीक है, तो जो काफ़ी पुअर होते हैं, और फिर उनको लगभग ऐसे कितने लोग हैं, लगभग 6 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इट कवर्स अप टू 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 50 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस सच एज डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन। देखिए तो ये क्या करता है, हॉस्पिटल जैसे आप मान लीजिए कि आज 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल से 3 दिन पहले और 30 अप्रैल के 15 दिन बाद, यानी टोटल आप देख लें तो 18 से 19 दिन का 18 डेज का ट्रीटमेंट, 18 डेज का ट्रीटमेंट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें सब चीज़ आ जाता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है, ठीक है, और एम्बुलेंस के कॉस्ट से लेकर A to Z जितने एक्सपेंसेस होते हैं सब आ जाता है, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज एंड एज जेंडर। देखिए जब इस ये बीमा जब कराया जाता है तो इसमें फैमिली के साइज की कोई बात नहीं कही गई है कि 10 मेंबर होना चाहिए या 2 मेंबर होना चाहिए, 4 मेंबर होना चाहिए, जितने मेंबर हो सकते हैं उतने मेंबर का किया जाएगा, और लेकिन एक फैमिली पे 5 लाख रुपये तक ही दिया जाएगा। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम Day 1, और जो भी ये एक कंडीशन होगा, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम Day 1, जैसे Day 1 से जैसे ये बीमा लागू होगा तो उस Day 1 से सभी बेनिफिट्स लागू हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, बेनिफिशियरी कैन विजिट एनी एम्पैनल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया टू अवेल कैशलेस ट्रीटमेंट। देखिए जो बेनिफिट्स हैं तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपके आयुष्मान भारत के साइट पे आपको लिस्ट दिया गया है कौन कौन से हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में कहीं भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर्विस इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 1,393 प्रोसीजर्स कवरिंग ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ड्रग्स सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन फी, रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, OT, ICU एक्सेट्रा। ये सिर्फ इतना ही तक लिमिट नहीं है, ये बाकी सर्विसेज तक भी ये जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल आर रिइंबर्स्ड फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद द प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो जैसे आपको पब्लिक हॉस्पिटल में रिइंबर्स किया जाएगा, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को भी रिइंबर्स किया जाएगा। अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर रूरल बेनिफिशियरी, जो आयुष्मान प्रधानमंत्री पीएम जय योजना की जो बात की गई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बेनिफिशियरी जो रूरल एरिया में होंगे वो कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लगभग 7 कैटेगरी बनाए गए थे, 7 में से 6 कैटेगरी में कोई भी आप फॉलो किसी में भी फिट होते हैं तो आपको ये योजना, ये हेल्थ केयर जो योजना है वो आपको प्रीमियम मिल सकता है। क्या हो सकता है, या तो आपको ओनली 1 रूम विद कच्चा वॉल एंड कच्चा रूफ, या आपके पास एक घर हो, एक कच्चा छत कच्चा रूफ हो और वॉल्स हो कच्चे मिट्टी से, यानी बने से मिट्टी के या घास फूस से बने हुए हो। नो एडल्ट मेंबर बिटवीन एज 16 to 59, या आपके घर में कोई भी 16 साल से 59 साल के बीच में कोई भी एडल्ट मेंबर नहीं हो तो भी आपको ये प्रीमियम मिल सकता है। हाउस होल्ड विद नो एडल्ट मेल मेंबर बिटवीन एजेस 16 to 59, जहाँ पे ऐसा भी कोई घर होगा जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, जहाँ पे 16 से 59 साल के बीच में कोई भी उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको भी ये प्रीमियम मिल सकता है। डिसेबल मेंबर एंड नो एबल बॉडीज एडल्ट मेंबर, कोई भी डिसेबल मेंबर है और कोई भी और उनको देख रेख के लिए कोई नहीं है
तो उनको भी ये बेनिफिट दिया जा सकता है। या SC ST हाउस होल्ड हो जो काफ़ी गरीब लोग हैं या जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनको ये मिल सकता है। और लैंडलेस हाउस होल्ड डिराइविंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर्स, या ऐसे लैंडलेस हाउस होल्ड हैं जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है और वो क्या करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह गुजारते हैं, तो उनको भी ये प्रीमियम दिया जा सकता है। ये तो रूरल बेनिफिशियरी के लिए कि रूरल बेनिफिशियरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग की अर्बन बेनिफिशियरी क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया फॉर अर्बन बेनिफिशियरी, फॉर अर्बन बेनिफिशियरी 11 ऑक्यूपेशन कैटेगराइज है फॉर वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। इसमें अर्बन में 11 ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बनाए गए हैं, जैसे रैग पिकर्स है, जैसे कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, जैसे आपके और हमारे घरों से कचरा ले जाते हैं, तो वैसे लोग हो तो उनको ये मिल सकता है अर्बन एरिया में। बीगर्स हैं उनको हेल्थ केयर की सिस्टम मिल सकती है। डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको मिला दिया जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कोबलर हैं, जैसे मोची जिसको बोलते हैं, हॉकर्स हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर वर्किंग ऑन स्ट्रीट, जो अदर सर्विस प्रोवाइडर है जो स्ट्रीट के ऊपर इन सड़कों पे अपने ठेले या कुछ लगा के काम करते हैं, उनको इस सर्विसेज की सुविधा दी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर, मैसन, लेबर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कूली एंड अदर हिट लोड वर्कर्स, अदर जो वर्कर्स हैं जो सर के ऊपर बर्डन उठा के काम करते हैं, वैसे लोग को भी ये सुविधा दी जा सकती है। स्वीपर, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, माली, इनको भी ये सुविधा दी सकते हैं। झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग हैं या सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं, ऐसे लोग को भी ये सुविधा दी जा सकती है। होम बेस्ड वर्कर्स, आर्टिजियन, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, टेलर, इनको भी ये सुविधा दी जा सकती है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर टू ड्राइवर एंड कंडक्टर्स, कार्ट पुलर, रिक्शा पुलर्स, जो गाड़ी खींचने वाले लोग होते हैं, रिक्शा खींचने वाले लोग होते हैं, वैसे लोगों को भी ये दिया जा सकता है। दूसरा है शॉप वर्कर, जो लोग दुकानों में काम करते हैं और किसी को असिस्ट करते हैं किसी चीज़ में, प्यून इन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, किसी छोटे संस्था में प्यून का काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं, डिलीवरी असिस्टेंट का काम करते हैं, अटेंडेंट का काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं, वैसे लोगों को भी ये सुविधा दी जा सकती है। इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक्स है, असेंबलर है, रिपेयर वर्कर्स हैं, उनको भी दिया जा सकता है। वॉशरमैन है, चौकीदार है, उनको भी ये सुविधा दी सकती है। तो ऐसे 11 कैटेगरीज अर्बन एरिया के लिए बनाए गए हैं जिनको ये चीज़ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कास्ट और इसकी बात नहीं की गई, लेकिन रूरल एरिया में इसकी बात की गई है। ओके, आगे आते हैं। अब देखिए, हमारे जाने माने अभिनेता हैं इरफान खान, उनका कल उनका निधन हो गया 29 अप्रैल को। तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत इंडिया के लिए बहुत ही दुखद बात है। और इनको कोलन इन्फेक्शन हो गया था, यानी इनके कोलन में कैंसर हो गया था, जिसका इन्होंने इंग्लैंड में लगभग कई महीने से ट्रीटमेंट करा रहे थे, और ट्रीटमेंट कराने के बाद ये आ चुके थे इंडिया में। और इंडिया में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था मुंबई में, और जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे वहाँ के डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेंट पे थे, और अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। कुछ दिन पहले इनकी मदर का तबीयत खराब हुआ था और उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इनका अचानक तबीयत खराब हो गया। जो हॉस्पिटल का मुंबई में नाम है वो कोकिलाबेन है, तो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, और फाइनली इनका मतलब 29 को ये बैड न्यूज आया कि इनका निधन हो गया। तो इनके एक फेमस कोट है जो एक इंटरव्यू में कहते थे कि पीपल लाइक टू सी माई वर्क नॉट माई फेस। इनका कहना था कि लोग मुझे मेरे काम को देखना चाहते हैं, मेरे काम से पसंद करते हैं, ना कि मुझे मेरे चेहरे से। तो देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये 53 साल के थे और इनका निधन हो गया। ये सभी बॉलीवुड सभी के हमारे आपके सभी के बहुत ही प्यारे एक्टर्स थे। और इरफान खान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका जयपुर में, जिन सब बॉर्न बॉर्न एज साहबजादे इरफान अली खान इन जयपुर इन 1966, 1966 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक टायर सेलर थे, और उसके बाद ये ड्रामा स्कूल चले गए। पहले ये क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट में फेल होने के बाद ये ड्रामा स्कूल चले गए। स्ट्रगल टू मेक हेडवे इन द फिल्म इंडस्ट्री, अपनी पहचान बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय तक स्ट्रगल करते रहे। डिस्पाइट बींग कास्ट इन अ स्मॉल रोल एज ए लेटर राइटर इन मीरा नैयर्स 1988 सलाम बम्बे, 1988 में एक फिल्म आई थी नीरा नैयर की, उसमें इन्होंने एक लेटर राइटर का रोल किया था,
जो कि मूवी का नाम है सलाम बॉम्बे। इस मूवी में इन्होंने लेटर आईटी का रोल किया था। उसके बाद इनको कोई भी काम नहीं मिल रहा था और वे टीवी शो के लिए मतलब डेली रेगुलर वर्क के लिए लो ग्रेड टीवी शो ऑपरेट ओपेरा इसके लिए काम करने लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बॉलीवुड में आए थे कहानियां लिखने के लिए मतलब, और बाद में एक्टिंग करने लगे। ये गेट ब्रेक थ्रू रोल्स इन द वॉरियर, इन द वॉरियर डायरेक्टेड बाय आसिफ कपाड़िया। ये हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक मूवी शूट किया था इंडिया में, द वॉरियर। इस मूवी के बाद इस मूवी से ही इनको पहचान, नेम और फेम मिला, जो 2002 में आया था। इरफान खान इज नॉट ओनली प्लेड हिज रोल इन बॉलीवुड, इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका सिनेमा में यानी हॉलीवुड में भी इन्होंने अपना पैरेलल कैरियर रखा था बॉलीवुड के अलावा, ठीक है। और काफी हॉलीवुड में भी ये काफी फेमस हुए थे। ही प्लेड डॉक्टर्स रोल इन द अमेजिंग द स्पाइडरमैन 2012, 2012 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन जो मूवी आया हुआ था उसमें डॉक्टर का रोल करते हैं। बीच जुरासिक पार्क में बिजनेसमैन का रोल करते हैं। इनफेर्मो एक और मूवी 2016 में आई थी, इनफेर्मो, इसमें भी इनका रोल है। ही ऑल्सो प्लेड वेरियस रोल इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में भी इन्होंने बहुत सारे रोल्स किए हैं। ही प्लेड रोल्स इन पिकू, जो बहुत ही फेमस मूवी थी, पान सिंह तोमर आप लोग जानते ही हैं, ब्लैकमेल, हिंदी मीडियम, और बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई से लेकर, और कई सारे ऐसे किरदार इन्होंने अदा किए हैं और ये काफी फेमस एक्टर रहे हैं। इनके ऑस्कर विनिंग फिल्म जो है स्लमडग मिलेनियर, जिसमें ये पुलिस ऑफिसर का रोल करते हैं, लाइफ ऑफ पाई, इसमें भी ये स्लमडग मिलेनियर्स को डायरेक्ट किया है डॉनी बॉल ने और लाइफ ऑफ पाई को एंगली ने। देखिए स्लमडग मिलेनियर को 8 ऑस्कर मिले थे। कितने ऑस्कर मिले थे? 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, ठीक है। तो ये काफी फेमस मूवी हुई थी और इनकी जो लास्ट फिल्म थी वो हिंदी मीडियम के बाद अंग्रेजी मीडियम आई थी, जिसको होमी अडजानिया ने डायरेक्ट किया था। इरफान खान की फैमिली में जो हैं अभी, माफ कीजिएगा, इरफान खान की फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके 2 बेटे हैं और उनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो आते हैं अगले पार्ट में। देखिए अभी रिलायंस ने शुरू किया है जियो मार्ट। जियो मार्ट एक क्या है इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक ने 99.9% स्टेक खरीदा था, जो कि US$5.7 बिलियन था, ठीक है। और इसको इन्होंने पूरे लिक्विडिटी कैश फॉर्म में देकर खरीदा था, ठीक है। और इस अभी इन्होंने क्या किया, जियो मार्ट शुरू किया है, जो कि व्हाट्सएप से, जियो एंड व्हाट्सएप है यूजर, आप जो व्हाट्सएप से आप खरीदारी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से। तो अभी तक जियो और व्हाट्सएप के टोटल जो यूजर है वो 750 मिलियन हैं टोटल। तो इसलिए इन्होंने शुरू किया है और इसमें कस्टमर बेस इनको हो सक इन्होंने शुरू करने का रीजन ये है कि एक बार में इनको कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा, ह्यूज अमाउंट में कस्टमर सपोर्ट, 750 मिलियन यूजर्स हैं यदि व्हाट्सएप और जियो के, तो दोनों को मिलाकर 750 मिलियन एक बार में इनके कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका थिंकिंग है इसके पीछे। और इन्होंने इस लॉकडाउन में शुरू किया है। तो देखिए लॉकडाउन में मैक्सिमम लोग घरों में रहना चाहेंगे और सभी लोग, गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप घरों में रहें, यदि आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो ऑनलाइन आ जाएगा। तो इस केसेस में यहाँ से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जियो मार्ट का जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8855008000। इज करेंट ये जो सर्विस है अभी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के कौन कौन से जगह पे शुरू किया गया, देख लीजिए, नवी मुंबई में, थाने में, कल्याण एरिया में, ठीक है, इन सभी जगह पे शुरू किया गया है और बहुत ही जल्द ये पूरे इंडिया में शुरू किया जाएगा। देखिए जियो मार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 2020 में, ऑनलाइन टू ऑफलाइन ओ टू ओ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ रिलायंस दैट डील रिटेल ऑफ ग्रोसरी थ्रू लोकल किराना स्टोर्स। जियो मार्ट इज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस एंड रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। देखिए अब क्या हुआ कि जियो मार्ट को 2020 जनवरी में शुरू किया गया था ऑनलाइन टू ऑफलाइन ई कॉमर्स के लिए। इसमें क्या था, लोकल किराना स्टोर से कनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अभी फेसबुक ने क्या किया कि मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग, तो इन्होंने क्या किया, 9.9% स्टेक इसका खरीद लिया, लगभग 10% आप बोल सकते हैं स्टेक खरीद लिया है।
तब इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, हम लोग व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हम लोग इस सर्विस को दे सकते हैं, और इस ये जो सर्विस है उसका सर्विस नंबर है व्हाट्सएप का 8855008000। ठीक है, तो इस नंबर पे करना क्या होगा, देखिए इस नंबर को पहले आपको मोबाइल में सेव करना होगा, और यदि आप कुछ भी मंगाना चाहते हैं तो पहले आपको हाय लिखकर सेंड करना होगा। उसके बाद आप जो भी किराना स्टोर से सामान मंगाना चाहते हैं उस किराना स्टोर, उसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल होगी उसका कैटलॉग आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि कंपनी अभी क्या क्या दे रही है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैटलॉग आपको देखने लगेगा। उसके बाद आप कैटलॉग सेलेक्ट करके जो भी जब आप ऑर्डर करेंगे, और उसमें आपको एक फॉर्म निकलेगा जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि एड्रेस फिल करने के बाद जब आप ऑर्डर करेंगे चीज़ों को, तो वो ऑर्डर क्या होगा, लोकल किराना स्टोर के पास चला जाएगा, और आपके पास एक मैसेज आएगा कि कौन से किराना स्टोर के पास ये आपका सामान कौन सा किराना स्टोर आपको ये सामान डिलीवर करेगा। इसके अलावा ये तो आपको जाएगा भी, किराना स्टोर वाले को भी पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने, इस पर्सन ने को ये सामान चाहिए था। ठीक है, तो उसके पास भी मैसेज चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे घर में बैठे आपके पास सभी सामान अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके आज के डेट में रेगुलर नीड्स की जो सामान है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं न्यूज एट ए ग्लांस। देखिए, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि 50,000 करोड़ लिक्विडिटी सपोर्ट करेगा म्यूचुअल फंड को। ठीक है, आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया एंड डेथ पेनाल्टी फॉर माइनर। देखिए, सऊदी अरेबिया में एक रूल था कि वहां पे एक इक्वलिटी का रूल था कि चाहे वो माइनर हो या फिर अदर हो, उन यदि कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको डेथ पेनाल्टी का सीधे प्रावधान था, लेकिन उसको अभी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो माइनर है उनको 10 ईयर्स तक का, माइनर जो है उनको 10 ईयर्स तक का उनको जेल दिया जाएगा, और उनको जुवेनाइल सेंटर में रखा जाएगा, चाइल्ड केयर जुवेनाइल सेंटर में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 इन इंडिया। देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ की है, इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट किया है। ये ऐसा फर्स्ट हॉस्पिटल होगा, इंडिया में ऐसा पहला हॉस्पिटल होगा जिसने ये थेरेपी करना शुरू किया है। बट दो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो होगा ये पहला है जो प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट किया है, इंडिया का पहला हॉस्पिटल है। दूसरा, आप बोल सकते हैं कि पहला जो स्टेट है जिसको प्लाज्मा थेरेपी के लिए अलाउ किया गया, वो पहला स्टेट कौन सा है, तो न्यू दिल्ली है। ओके, आते हैं आगे। लार्जेस्ट होल ऑफ ओजोन लेयर एट आर्टी हिल इटसेल्फ, द होल वाज 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, ओजोन लेयर पे एक होल था जिसको हम लोग छिद्र बोलते हैं, ओजोन लेयर पे एक छिद्र था जिसकी जो विड्थ थी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड था। अभी साइंटिस्ट कई दिनों से इस पे नजर रख रहे थे। मार्च 2020 में इसको इन्होंने देखा कि ये ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। ठीक है, और अभी तक इसके लगभग ये हील हो चुका है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली जो ब्लैक ये जो होल था वो ऑटोमेटिकली फील हो रहा है। तो ये भी एक अच्छा संदेश है, ताकि अभी कई समय पहले आप लोग 1-2 साल पहले सुन रहे होंगे कि आर्कटिक के रीजन में जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, तो जो बर्फ पिघल जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान हो जाता है, समुद्र के वाटर लेवल बढ़ जाते हैं, और समुद्र के वाटर लेवल यदि बढ़ते हैं तो क्या होगा कि अपने किसी भी कंट्री में को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा खबर है। आते हैं आगे, आईआईटी खड़गपुर रैंक 57, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड टॉप इन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2020। देखिए, इम्पैक्ट रैंकिंग में 2020 में आईआईटी खड़गपुर को ओवरऑल रैंकिंग जो मिला है 57 मिला है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को जो है ये न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी है, ये इन्होंने टॉप किया है। अब देखिए, ट्रांसकॉर्प जो है ये एक संस्था है जो बिकम फर्स्ट एनबीएफसी टू रिसीव आरबीआई नोट टू एंटर इन टू को ब्रांडिंग अरेंजमेंट। ये ट्रांसकॉर्प जो है ये क्या करेगी, को ब्रांड इसको पहले ये पहली ऐसी एनबीएफसी जो होंगी जिसको ये आरबीआई ने अलाउ किया है कि हाँ, आप को ब्रांडिंग अरेंजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, तो इसका जो फुल फॉर्म है ट्रांसकॉर्प इंडिया लिमिटेड, TIL, ट्रांसकॉर्प इंडिया लिमिटेड। ये जो है क्या करेगी, जैसे आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले आईसीआईसीआई बैंक गिफ्ट कार्ड वगैरह देती थी, तो गिफ्ट कार्ड या मास्टर कार्ड
ऐसे कार्ड्स में मास्टर कार्ड और अदर कार्ड को ये सेल कर सकती है, और ये फिजिकल नहीं हो, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, ये पूरा जो होगा डिजिटल फॉर्म में होगा। इसको कस्टमर कहीं भी यूज कर सकता है, ठीक है, शॉपिंग करने से लेकर हर जगह, फिर होटल रेस्टोरेंट सभी जगह पे यूज कर सकता है, ठीक है। और इसको कोई भी ले सकता है, ये पब्लिक के पार्टनरशिप कंपनियां भी ले सकती हैं और प्राइवेट कंपनियां भी ले सकती हैं, ठीक है। तो यह है, इट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1994, इज लिस्टेड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विद टर्न ओवर ऑफ रुपीज 2300 करोड़। 2300 करोड़ टर्न ओवर इसके पास था जब 1994 में इसे लिस्ट किया गया। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। इसके जो सीईओ हैं अमिताभ घोष हैं। ओके, आते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल फुल डे, और 1 अप्रैल को एक और डे मनाया जाता है, ओडिशा ओडिशा डे, ओडिशा डे, ठीक है। तो ओडिशा फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 4 अप्रैल को नेशनल माइन डे अब मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड शिवलिंग डे भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ईस्टर फेस्टिवल डे मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकर डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जा भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। हेमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को एक चीज और ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल को हिमाचल डे भी मनाया जाता है। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इंग्लिश डे एंड वर्ल्ड स्पेनिश डे भी मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस और 28 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। 2 दिन मनाए जाते हैं। 38 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस आज का डे मनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें class2plus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अभी कई सारे शहर जो हैं, जैसे अहमदाबाद की हम बात कर लें तो अहमदाबाद रेड जोन में आ गया है, बहुत सारे शहर रेड जोन में आ गए हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखें और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।